दोस्तों पिछले कुछ दिनों में सेना ने कई राज्यों के लिए भर्ती रैलियों के नोटिफिकेशंस जारी किए थे, लेकिन जो अगर अभी तक आप अपने राज्य और जिले की सेना भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए एक खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि सेना भर्ती कार्यालय द्वारा जल्द ही एक और राज्य में 13 जिलों की सेना भर्ती के आयोजन की खबरें आ रही हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। यार इन्हें बेरोजगार युवक मत कहो दोस्त, ये छोटे भाई हैं, कोरोना की वजह से पिछले एक साल से भर्ती नहीं हो पाई, दो बार डेट आई, दोनों बार डेट पोस्टपोन करनी पड़ी, अब सितंबर में 10 सितंबर टेंटेटिव डेट। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बगल की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही सेना भर्ती से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इसके साथ ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले और राज्य का नाम जरूर लिख कर जाएं, ताकि हम आपके जिले की भर्ती की जानकारी सबसे पहले ला सकें। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण भारतीय सेना ने अपनी कई परीक्षाएं और भर्ती रैलियों को स्थगित किया था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर काबू में आ रही है, सेना द्वारा फिर से भर्ती रैलियों के नोटिफिकेशंस लगातार जारी कर रही है और कुछ जगह भर्ती प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया गया है। और जो अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सेना में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो यहां पर आपके लिए एक खुशखबरी आ चुकी है। दरअसल दोस्तों मीडिया को दिए एक विज्ञप्ति में मेरठ सेना भर्ती कार्यालय की ओर से मुजफ्फरनगर में होने वाली सेना भर्ती रैली का आयोजन 10 सितंबर से आयोजित करने की जानकारी दी गई है और सेना इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अपनी पूरी तैयारियों में लगी हुई है। और जो अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही सेना द्वारा इस भर्ती के लिए आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया जाएगा। यार इन्हें बेरोजगार युवक मत कहो दोस्त, ये छोटे भाई हैं, कोरोना की वजह से पिछले एक साल से भर्ती नहीं हो पाई, दो बार डेट आई, दोनों बार डेट पोस्टपोन करनी पड़ी, अब सितंबर में 10 सितंबर टेंटेटिव डेट। मेरी कई दिन से बातचीत चल रही थी रक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक अधिकारियों से, तो मैंने बात की है कि 10 सितंबर से टेंटेटिव डे आर्मी भर्ती की होगी। ये देश की रक्षा के लिए फौज में जाना चाहते हैं ना, बेरोजगार मत कहो। 10 सितंबर से आर्मी की भर्ती मुजफ्फरनगर में होगी, क्योंकि दो बार पोस्टपोन हो चुकी कोरोना की वजह से, इस बार शायद पोस्टपोन ना हो, 10 सितंबर से भर्ती हो गया। हालांकि दोस्तों सेना की तरफ से इसको लेकर अभी कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस भर्ती के बारे में या देश के किसी भी राज्य में होने वाली सेना भर्ती के बारे में हमें कुछ भी जानकारी मिलती है तो हम आपको सबसे पहले अपने इस चैनल पर उसकी जानकारी दे देंगे, इसलिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।